हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग अमर ड्रीम न्यूज़ पे। तो हम यहाँ मैच कवर करेंगे जो मेजर लीग सॉकर का मैच खेला जाएगा पोर्टलैंड टिम्बर्स वर्सेस कोलोराडो रैपिड्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारी यहाँ से जो बिग न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो इनके जॉर्ज विलिफिना है वो इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी टीम में अगर आप उनमें से अगर अपनी टीम में आपने ट्राई किया हुआ है इनको तो अपनी टीम से रिमूव कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाले प्लेयर्स का स्टेटस पिछले मैच में क्या रहा है, पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस क्या रही है, ग्रैंड लीग की टीम क्या रहेगी, हेड टू हेड की क्या टीम रहेगी, इससे कुछ डीपली एनालिसिस होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से अगर आपने अभी तक अमर ड्रीम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फ्रेंड्स यहाँ से बेल आइकन दबा दे ताकि अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से मैं फुटबॉल के सारे मैचेस कवर कर रहा हूँ। बात करें फ्रेंड्स इस मैच की, तो इस मैच में जो आपके लिए पिछला इनका रिकॉर्ड रहा है पोर्टलैंड टिम्बर और कोलोराडो रैपिड्स का, तो यहाँ पे 4 बार यहाँ पे पोर्टलैंड टिम्बर जीत चुकी है और 1 बार कोलोराडो रैपिड्स ने जीत हासिल की थी और 1 ड्रॉ रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स की टीम थोड़ी सी मजबूत है एज़ कम्पेयर टू कोलोराडो रैपिड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्लेइंग इलेवन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से आप प्लेइंग इलेवन का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्लार्क यहाँ पे गोलकीपर है, हॉरवार्ड दूसरी टीम में गोलकीपर है। तो फ्रेंड्स, बाकी यहाँ से फर्नांडिस बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाले। बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ। की प्लेयर की बात करें तो पोर्टलैंड टिम्बर्स के फ्रेंड्स यहाँ से जो खेलने वाले नहीं है की प्लेयर वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बताऊँ आपको तो यहाँ से बिल ट्यूमोलिया, जेप एंटिलिया, एम जेमा, जॉर्ज विलिफना फ्रेंड नहीं खेलने वाले हैं, इनको अपनी टीम से रिमूव कर दीजिएगा अगर आपने अपनी टीम में लिए हुए हैं। यहाँ से बात करें तो की प्लेयर रहने वाले पोर्टलैंड टिम्बर के लिए वो है ब्रेन फर्नांडिस। 24 वर्षीय यो प्लेयर पिछले 6 मैचेज में 6 गोल कर चुका है। फ्रेंड इनका गोल परफॉर्मेंस 100% है, हर मैच में 1 गोल करते हैं। तो अपनी टीम में फ्रेंड्स ट्राई करना है, बहुत ही शानदार फॉर्म है इस टूर्नामेंट में। और बात करें फ्रेंड यहाँ से सेबेस्टियन बेलेनको, तो मेक्सिकन प्लेयर फ्रेंड्स ये भी अब तक 3 गोल और 6 असिस्ट कर चुका है, बहुत ही शानदार प्लेयर रहने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ से बात करें तो जर्मनी एबुबिसे, ये फ्रेंड्स यहाँ पे 5 गोल कर चुका है और 1 असिस्ट कर चुका है। डियागो वैलेरी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से 16 मैचों में 4 गोल 10 असिस्ट और फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोलोराडो रैपिड्स की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से कोलोराडो रैपिड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं उनमें है की कमारा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं क्योंकि पिछले 18 मैचों में 8 गोल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स 1 असिस्ट किया है, 57 शॉट्स ने टारगेट पे लगाए हैं। एंड्रयू श्नाशिकी फ्रेंड 24 वर्षीय यो फॉरवर्डर 17 मैच में 4 गोल और 1 असिस्ट कर चुका है, 22 शॉट अपनी ने टारगेट पे लगाए हैं। डियागो रियोबो की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से 26 वर्षीय प्लेयर अभी तक 14 मैचों में 4 गोल और 2 असिस्ट कर चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने अपनी मर्जी से टीम में ट्राई करना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ड्रीम इलेवन की टीम को नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड्स लक के ऊपर डिपेंड करता है, कैप्टन वाइस कैप्टन आपने अपनी लक के अकॉर्डिंग लेने हैं। और यहाँ पे रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पोर्टलैंड टिम्बर्स फ्रेंड्स यहाँ पे सारे मैच लगभग जीत के आया है, सिर्फ 1 मैच इन्होंने लूज़ किया है। बाकी यहाँ पे बात करें तो कोलोराडो रैपिड्स, तो यहाँ पे इनका विन है, ड्रॉ है, लूज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 70% चांसेस जीतने के हैं पोर्टलैंड टिम्बर्स की और सिर्फ 30% चांसेस है कि यहाँ कोलोराडो रैपिड्स ड्रॉ कर सकता है इस मैच को। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से आपको बता दिया, अब मैं ड्रीम इलेवन के प्लेयर्स आपको बताता हूँ। उससे पहले बात करें तो यहाँ से आप अमर ड्रीम न्यूज़ को सर्च करिए टेलीग्राम पे, नया नया यहाँ से चैनल बनाया हूँ, बहुत ही शानदार चैनल रहने वाला है। बात करें फ्रेंड ड्रीम इलेवन में टीम की, तो टीम का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। एस क्लार्क को फ्रेंड यहाँ से मैं गोलकीपर सेक्शन में लिया हूँ, बहुत ही शानदार फॉर्म में, पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया है। डिफेंडर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ से डिफेंडर में लिया हूँ एल माबिला को, जे मोरिरा को और फ्रेंड्स यहाँ से जो जे वेलेफिना फ्रेंड्स, अगर आपने इनको अपनी टीम में ट्राई किया बिल्कुल भी इनको अपनी टीम से हटा दीजिएगा, इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, जैसा भी मैंने थंबनेल में कहा है बिल्कुल ही सही कहा है। और फ्रेंड्स यहाँ से बात करें तो एला बुदगर के रोसमनरी खेलने वाले हैं। मिडफील्डर की बात करें तो यहाँ से डी वेलेरी फर्नांडिस को ट्राई किया हूँ, फर्नांडिस बहुत ही शानदार फॉर्म में, एस बलेनको को रखा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से बात करें तो स्ट्राइकर में जैसे मैंने पहले कहा के कुमारा बहुत ही शानदार फॉर्म में ये प्लेयर है और फ्रेंड्स यहाँ से ट्राई किया हूँ एशिन याशिकी को। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको बता दूं जो जे इम्बोबेसी फ्रेंड्स इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है ये प्लेयर, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही शानदार है, कभी भी अच्छी फॉर्म में आ सकता है तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से बात करूँ तो फ्रेंड्स हमारा टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से रहने वाला है। फ्रेंड्स प्लेयर आप यहाँ से अपनी लक के अकॉर्डिंग 2-3 चेंज कर सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स टीम लगभग यही रहेगी, परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी है। मैंने फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोबेबल 11 भी बताई हुई है, आप वहाँ से चेक करके आप यहाँ पे अपनी टीम बना सकते हैं ड्रीम इलेवन में। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा अगर यहाँ से कोई प्लेयर नहीं खेलता, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूले, सर्च करें अमर ड्रीम न्यूज़। यहाँ से कैप्टन की बात करें तो बी फर्नांडिस को लिया हूँ, वाइस कैप्टन के कुमारा को लिया हूँ। फ्रेंड्स दोनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार फॉर्म में अब तक, तो अपनी टीम के लिए ये बेस्ट पिक रहने वाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होकर इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते अपनी अगली वीडियो में।